गाइस एक टॉपिक ना मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। काफी दिन तो नहीं हुए, लगभग ऐसा हुआ है 4 या 5 दिन के करीब एक दोस्त के साथ मेरे फ्रॉड हो गया है काफी तगड़ा। उसी के बारे में आज हम व्लॉग बनाएंगे। और पहले आपको आम दिखा देते हैं कि इतने दिनों में कितनी प्रोग्रेस कर ली है आम ने, लगभग 10 दिन के अंदर अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है आम की दिखाते हैं। पहले मुझे तो सबसे मस्त ये लग रहा है, सबसे अकेला और सबसे मस्त, यानी अकेला रहकर ही खुश है यार। तभी तो तगड़ा हो रहा है, अकेला है, टेंशन नहीं है इसको अकेले को। बाकी नॉर्मली आम तो आ रहे हैं, दिख रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते सलाम आदिल बंदे का नाम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू क्या, वेलकम टू आज की शाम हो चली। और गाइस मुझे ना एक फ्रॉड हुआ मेरे दोस्त के साथ, हुआ मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा है, काफी दिन नहीं लगभग 4 या 5 दिन का टाइम हुआ है। उसमें फ्रॉड क्या हुआ है बताता हूँ आपको। गाइज फ्रॉड बिल्कुल भी नया नहीं है। नया क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपको पता है आपके पास कहीं ना कहीं से फेक कॉल आती रहती है। जब आपको पता है कि सब फेक कॉल होती है तो आप फिर भी उनकी बातों में क्यों आते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली क्या है ना, वह ना फेसबुक चला रहा था नॉर्मली, जैसे हम सब चलाते हैं फेसबुक। तो चलाते चलाते हुआ क्या है, मोबाइल चलाते चलाते उसके जो फेसबुक चलाते चलाते सॉरी उसके सामने आ गया एक फ़ोटो, वो आया गया स्प्लेंडर का, यानी 19 मॉडल स्प्लेंडर। दाम कितना है, 26,500 रुपये, यानी 26,500 में वह 19 मॉडल उसको मिल रही थी। तो वह बिल्कुल लालच में आ गया और उस पर लिखा हुआ था कॉल मी, यानी कि नंबर लिख रखा है और उस पर लिख रखा है कॉल मी। 26,500 रुपये में मोटरसाइकिल मिल रही है 19 मॉडल स्प्लेंडर। तो बंदा तो लालच में आ गया, फटाक से कॉल किया उसको, फटाक से कॉल किया। उसने कहा अंकल आपने इस पर डाल रखा है, आप बाइक बेच रहे हैं? हाँ भैया बिल्कुल बेच रहा हूँ। कितने की है? जी बिल्कुल मैंने उस पर दाम लिखा है 26,500 रुपये। कितने की है अंकल? थोड़ा कम कर लो। चलो भैया कोई नहीं, 1,500 रुपये की तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम कम कर लेंगे। तो ठीक है, तो अंकल मुझे क्या करना होगा? आप मेरे अकाउंट में ना 3,000 रुपये डलवा दो। उसने कहा किस 3,000 किस चीज़ के डलवाने? उसने कहा ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जो ट्रांसपोर्ट आएगा उस में आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट पर डाल दूंगा और आपके घर पर वह गाड़ी आ जाएगी। यानी कहाँ पर आएगी वह गाड़ी? आएगी देवबंद में। आपको देवबंद जाकर उस गाड़ी को ले आना है, क्योंकि जो उसके आसपास का एरिया है ना सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद पड़ता है, तो वहीं से उसको बुलाएगी, वहीं से जाकर आपके पास ना ड्राइवर का फ़ोन आएगा, आप वहाँ से जाकर उसको बाइक को ले आना। तो बंदे ने ना फटाक से 3,000 रुपये डाल दिया। कितना डाल दिया? 3,000 रुपये डाल दिया। फिर बात करते हैं अगले दिन, तो वो कहते हैं सर गाड़ी आई तो है नहीं अब तक, नहीं आई है गाड़ी। फिर जब वो कहते हैं कि गाड़ी नहीं आई है, तो फिर कहते हैं भैया उसमें एक दिक्कत है, आपको ना 9,500 रुपये और डालना पड़ेगा, तब आपकी जाकर गाड़ी आएगी। तो बंदे ने ना बिना सोचे समझे 9,500 रुपये, शायद 9,500 या 9 उसने फिर डाल दिए। फिर और कुछ प्रॉब्लम आई, उसने 9,500 या 9,000 के करीब फिर डाल दिए। इसी तरह से करते करते उसने डाल दिया जी 27,500 रुपया। कितना डाल दिया जी? 27,500 रुपया। बाइक कितने की लिख रखी थी उस पर? 26,500 की। और बंदे ने कितना डाल दिया? 27,500। यानी ना उसको वह घुमाता फिराता रहा, ऐसे ही फ्रॉड करता रहा उसके साथ। और वो इतना पागल था, मेरे मुँह से भी गाली निकलने को है, क्या वह डालता रहा। उसने किसी की सलाह नहीं ली, ताकि किसी को पता ना लग जाए कि मैं इतनी सस्ती बाइक ले रहा हूँ। तो मिल गई सस्ती बाइक, अब बंदे को ना लारे लगा रहा है वह बंदा कि आपके 9 तारीख को पैसे आ जाएंगे। कितने तारीख को आ जाएंगे? 9 तारीख को। तो भाई जी 9 तारीख का इंतजार वह भी कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 9 तारीख को 25 पैसे भी नहीं आने वाला है, 25 पैसे भी नहीं आने वाला है। लेकिन वह उससे और पैसे मांग सकता है, फिर भी वह मांग भी रहा है, लेकिन वो और भी मांग सकता है। वह फिलहाल भी कह रहा है कि आपका ना जो ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वह कैंसिल हो गया है, मुझे इस पर दोबारा डलवाना है इसको, इसलिए आप मेरे खाते में 3,000 रुपये और डलवा दीजिए। वह बंदे से फिर से पैसे मांग रहा है। और गाइस इसमें ना एक चीज़ कमाल की और थी, वो तो मैं आपको पता नहीं भूल गया। वह बात क्या थी, जब बनवाना उसके पास ना कॉल आ गई ड्राइवर साहब की, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं उनकी कॉल आ गई। फ्रॉड देखे कितना तगड़ा हो रहा है, कि भैया मैं देवबंद से बोल रहा हूँ, आपका ना ये पार्सल आ गया है, आप इसे लेने आ जाएँ और आप अकाउंट में डलवा दीजिए पैसे। कितने डलवाने हैं? 9,000 उसने कुछ बोला, 9,000 कुछ बोला, और उसने ये नहीं बोला कि इनको 2 बार करके डलवाना है। तो बंदे ने ना 9,000 कुछ रुपये डलवा दिए उसने। फिर बंदा उन्हीं का फ़ोन आता है, भैया आपने डलवा तो दिए पैसे, मैंने आपको 2 बार बोला था करने को। क्या बोला था? 2 बार के 9,000 एक डालने हैं और बाकी डालने हैं एक, यानी कि बच्चे को घुमा रहे हैं वह ऐसे ऐसे फ़ोन करके। तो फाइनली गाइस मेरा मकसद केवल आपको ये बताना था, अगर अपने परिवार को भी समझाए, अपने फैमिली वालों को समझाए, अपने दोस्तों को समझाए, अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है या आपके साथ कोई ऐसा सिस्टम दिखता है जिसमें आपको लालच दिया जाता है, उसके बहलावे में मत आए। ठीक है गाइस,
वरना आपका काफ़ी तगड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ना उसमें उसकी गलती नहीं काटूंगा जिसने उससे पैसे हड़े हैं, यानी उससे पैसे फ्रॉड किया है, उसकी गलती नहीं मानूंगा। गलती उसकी है जिसने उसके अकाउंट में डलवाया है। उसको एक बार किसी की सलाह लेनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था क्या इससे ही है। वह लालच में आ गया, अब भुगतेगा कौन? वही भुगतेगा, और तो कोई नहीं। और वह है ना अपने घर नहीं बता रहा है इस चीज़ को, अपने घर नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? कभी घर वालों को कोई झटका लग जाए, क्योंकि 27,500 एक मजदूर आदमी के लिए काफ़ी तगड़ी रकम होती है। तो फाइनली गाइस मैं अपने इस व्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत इस बात इसमें समझ आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी कॉल पर सेट कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त आदिल को जय दीजिए, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। हाँ, लाइफ में ना कुछ भी हो जाए दिल पर हाथ रखिएगा, और कहना है ऑल इज़ वेल, कहना है ऑल इज़ वेल, और सब सही है ब्रो। गाइस जिंदगी में ना समस्याओं का आना, जैसे कि कोई भी समस्या हो उनका ना आना बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या है? आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उससे हंस कर गुजर जाते हैं, खिलखिलाकर हंस कर गुजर जाते हैं, बिना टेंशन लिए गुजर जाते हैं, तो वह आपकी कला है। क्या है? वह आपकी कला है। इसलिए मुसीबत कैसी भी आए उससे हंस कर गुजर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।